हेलो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अपनी फोटो को बस आप 2 मिनट में एडिट कर लोगे। तो वो कैसे? तो मैं आपको आसान ट्रिक से बता दूंगा, तो वीडियो के एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। गूगल में आने के बाद सर्च पर क्लिक करना है, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। यहाँ से करना है सर्च पर क्लिक, तो मैं कर देता हूँ। यहाँ से आपको लिखना है NSP पिक्चर्स, मेरे लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ मेरे NSP पिक्चर प्रीसेट। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ये आपका पहली फिल्म लुक लाइटरूम मोबाइल प्रीसेट फ्री डाउनलोड, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर देता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस पर क्लिक करना है, दूसरे लिंक पर क्लिक नहीं करना। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा, सिंपल सा आपको लाइटरूम प्रीसेट दिखेगा, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ से नीचे आना है, आपको कोई सा भी एक प्रीसेट डाउनलोड कर लेना है, अपने मनपसंद का जिस फोटो में आप लगाना चाहते हो। तो मुझे ये वाला ब्लू डस्क वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखो कितना अच्छा है। इस पर क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं, आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा, ये डाउनलोड प्रीसेट, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा डाउनलोड पर क्लिक करना है। यह पहले लोडिंग होता है, ये होने के बाद सिंपल सा डाउनलोड पर क्लिक करना है आपको। यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा ड्राइव गूगल क्रोम खुलेगा, आपको यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करना है। यह आपकी पिक्चर डाउनलोड हो गई है। अब चलते हैं लाइटरूम मोबाइल के अंदर, तो चलते हैं, आपको सीधा ले जाता हूँ मैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो यहाँ से आने के बाद ऑल फोटो पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं करता हूँ। करने के बाद अब हमको वो प्रीसेट ले लेना है जो हमने डाउनलोड किया था। मैंने बहुत सारे यहाँ पे किए हुए हैं, तो मैं इनमें से कोई सा भी ले लेता हूँ। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, डार्क काइबर, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा कॉपी सेटिंग पर क्लिक करने के बाद राइट पर क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा आप उस फोटो में चले जाओ जिस फोटो को आपको एडिट करनी है। तो मैं इस फोटो में चले जाता हूँ। यहाँ से आपको सिंपल सा 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक करना है, तो अपनी एक स्टेप में आपकी फ़ोटो एडिट हो जाएगी। ये देखो कितनी अच्छी हो गई, इसको और अच्छी बनाते हैं, इसको और मस्त बनाते हैं। चुप कर बे कुत्ते। तो चलते हैं इफ़ेक्ट्स में, ताकि हम क्लियरिटी और टेक्सचर को बढ़ा सकें। चलो चलते हैं इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में जाने के बाद आपको सिंपल टेक्सचर को बढ़ाना है अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग, और क्लियरिटी को भी बढ़ाना है फ़ोटो के अकॉर्डिंग। आप देख लेना अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग, मैं इतना रख लेता हूँ। यहाँ से शार्पनिंग को अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग रख लेना, 9 या 10, इतना ठीक है। यहाँ से मास्किंग के दोनों साइडों से पकड़ के आपको बढ़ाना है, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कैसे। यहाँ से दोनों साइडों से पकड़ा और यहाँ से बढ़ाना है। ये आप देख सकते हो हमारी फोटो मास्किंग हो गई है, मतलब साफ दिखेगी आपको सब तरीके। यहाँ से आपको कलर नॉइज़ को बढ़ाना है। कलर नॉइज़ को बढ़ाने के बाद आपको सिंपल डिटेल को 100 और स्मूथनेस को भी 100। और वो जो लाल वाला बटन है, उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो कितनी मस्त हो गई हमारी फ़ोटो बस एक प्रीसेट से। तो मैं आपको बता देता हूँ बिफोर आफ्टर, तो ये देखो बिफोर और ये आफ्टर, इतनी कूल हो गई है। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक कर दो वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।